बीते 1.5 साल से एक ओर जहां कोरोना के कारण कई लोगों की प्रगति पर ब्रेक लगा है, वहीं दूसरी ओर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डीम यूनिवर्सिटी सावंगी ने निरंतर प्रगति कर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में देश के 100 संस्थानों में अपना नाम बरकरार रखा है। ऐसी जानकारी शनिवार को ही पत्रकार परिषद में दी गई। हाल ही में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग जारी की गई है। इनमें देश भर के विश्वविद्यालयों की श्रेणी में DMIMS को 61वीं रैंक, मेडिकल स्कूल की श्रेणी में 34वीं रैंक व डेंटल स्कूल की श्रेणी में 19वीं रैंक हासिल हुई है। DMIMS के प्रो चांसलर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग व ह्यूमैनिटीज के अलावा कॉमर्स व मैनेजमेंट से संबंधित अन्य विषयों को शुरू किया जाएगा। विद्यापीठान जी गतिशीलता मिळवली, जे नावलौकिक मिळवलं आणि जे वेगवेगळ्या कॉन्ट्रिब्युशनच्या आधारे आपली वेगळी एक छाप उमटवली आहे, ज्याचे अनेक मानबिंदू आपल्या परीनं सुस्पष्टरित्या त्या अचीवमेंट्सला समर्थपणे दर्शवतात, ते अवगत करून देण्यामागचं हे प्रयोजन होतं। 2-3 प्रमुख मुद्दे जे आम्हाला सांगावे असे होते की विद्यापीठानं रिसर्चच्या क्षेत्रात मोठं नाव लौकिक कमवलं, विद्यापीठानं नवीन कोर्सेस जॉब ओरिएंटेड सेमी स्किल्ड याच्या बाबतीत एक मोठं विक्रम नोंदवलं आहे। त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरती NIRF रँकिंग्स जी आता 2021 से रिसेंटली अनाउन्स झाले, त्याच्या चौफेर 4 डायमेन्शनमध्ये म्हणजे मागील 3 वर्षापासून विद्यापीठ या देशातल्या नामवंत 100 इन्स्टिट्यूशन हायर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनच्या यादीमध्ये दत्ता मेघे इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस युनिव्हर्सिटीचा समावेश आहे। DMIMS डीम्ड युनिव्हर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजीव बोरले ने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में NIRF की घोषणा की थी, उस समय से ही DMIMS की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में टॉप 100 में आने वाले संस्थानों में राज्य के केवल 2 संस्थाएं शामिल हैं, इनमें से एक DMIMS है। कोविड संक्रमण के दौरान भी DMIMS ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस अवधि में COVID-19 पर संस्था के 138 रिसर्च पेपर विश्व के प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। निजी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इतने रिसर्च पेपर प्रकाशित करने वाली DIMS राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय है। गेल्या 1.5 वर्षापासून जवळपास पूर्ण देशाला कोविडने ग्रासलं होतं आणि बरेचसे चॅलेंजेस आले। हे चॅलेंजेस असताना सुद्धा फक्त पेशंटची हॉस्पिटलमध्ये सेवा करणं हा मुद्दा समोर न ठेवता विद्यापीठांनी या चॅलेंजिंग काळामध्ये जी काही प्रगती केली ती लोकांपर्यंत पोचावी, आपल्यापर्यंत पोचावी या भावनेने आपण आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे। आपण NIRFचं रँकिंग जर म्हटलं तर जसं आत्ता वेचरांनी सांगितलं तसं ओव्हरऑल कॅटेगरीमध्ये गेल्या 3 वर्षापासून आपण 100व्या रँकमध्ये आहोत। यावेळेला आपली रँक 100वी आहे। विद्यापीठाचा जो गट आहे त्याच्यामध्ये 100 विद्यापीठांपैकी 61व्या रँकवर आपण गेले 2 वर्ष आहोत। मेडिकल कॉलेज हे 34व्या नंबरवर, तसंच डेंटल कॉलेज हे देशामध्ये 19व्या नंबरवर आहे। कोविड पिरियडमध्ये फक्त पेशंटची सुश्रुषा नाही पण आपण जे रिसर्च वर्क केलं त्याच्यामुळे आपण आज देशामध्ये 4थ्या स्थानावर आहोत। महाराष्ट्रात 1ल्या स्थानावर आहे आणि प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशनमध्ये आपण देशामध्ये 2ऱ्या स्थानावर आहोत। पत्र परिषद में DIMS के चांसलर दत्ता मेघे भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।